पनवेल महानगरपालिका चुनाव के लिए मतदान की तारीख करीब आने पर भाजपा के ठाकुर कंपनी ने मतदाताओं में दहशत निर्माण करना शुरू कर दिया है। सोमवार को क्षेत्रीय कामगार पक्ष की प्रभाग क्रमांक 17 के उम्मीदवार पूर्व नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल महिला कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे थे। उसी वक्त भाजपा के गुंडा परेश घरत ने हाथ में चॉपर लिए महिला कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और उन्हें धमकाने लगा। ये देख संदीप पाटिल ने किसी भी चीज का विचार ना करते हुए आगे बढ़ भाजपा के गुंडा परेश घरत को ना सिर्फ रोका बल्कि सबक सिखाया। चुनाव के समय उम्मीदवार कार्यकर्ताओं को आगे कर राजनीति करते हैं, पर संदीप पाटिल ने महिला कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की राजनीति ना करते हुए खुद आगे बढ़कर शस्त्रधारी गुंडे को रोका और सबक सिखाया। संदीप पाटिल महिलाओं के संरक्षण के लिए हमेशा ही खड़े रहते आए हैं और अभी भी इन्होंने यही किया और आगे भी ये सदैव खड़े रहेंगे, ये विश्वास कार्यकर्ताओं में है। शेकाप कार्यकर्ताओं पे हमला करवाने के लिए भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट मनोज भुजवल को मंगलवार को न्यायालय ने जमानत दे दी है। काल बीजेपी गुंड परेश घरत आणि त्यांचे सहकारी यांनी शिवश्री मित्र मंडळाच्या इथे आमचे मित्र सुनील घरत आणि बाकीच्या महिलांच्या याच्यावर ज्या पद्धतीने हल्ला केला आणि त्याला जेव्हा रोखण्याचा आम्ही प्रयत्न केला तेव्हा आमच्यावर देखील हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु महिला भगानींवर चॉपर आणि कोयत्यांनी जर कोण याच्यामध्ये करत असेल तर पनवेलला कदापि आम्ही बिहार होऊन देणार नाही आणि त्याचा वार आम्ही छातीवर दोघांनी घेऊन त्याला ज्या पद्धतीने जनतेने चोप दिलेला आहे त्या पद्धतीने आम्ही चोप दिलेला आहे हे कदापि जनता विसरणार नाही। उद्याच्या निवडणुकीत पनवेलच्या सर्व मतदार बंधू भगिनींना माझी हीच विनंती राहील की अशा या भाजपच्या गुंडांना तुम्ही मतदान करणार आहात का असा माझा तुम्हाला सवाल राहील आणि इथं जर खरोखर खुलेआमपणे रात्री 2 वाजता जर निर्भयपणे जर क्रीडाचा जर आपल्याला प्रकार पाहिजे असेल तर या भाजपला गाडल्याशिवाय आपण राहू नका ही तेवढीच मी आपल्याला विनंती करतो। भाजपा संवैधानिक तरीके से संदीप पाटिल को मात नहीं दे सकती, इसलिए वो हाथापाई पे उतर आई है।